हेलो गाइस, कम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज के लोग बहुत खास होने वाले हैं। हम लोग दोबारा खेलने वाले हैं सिम सिटी बिल्ड इट। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बनाया था सीवेज। बहुत से घरों में बंदों ने भाई सीवेज पूरा भर डाला था, हक हक के भाई मचा डाला था। तो हम लोगों ने सीवेज बनाया था एंड जो प्रॉब्लम थी वो उन लोगों की भाई सॉल्व हो गई थी। एंड आज अभी मैंने अपने गेम को ओपन करा एंड यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही हैं एंड यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कलेक्ट करने को दिखा रही हैं। तो आज हम लोग सिटी को भाई अपग्रेड करेंगे एंड इसकी जो जनता है वो भी बढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग की सिटी में कुछ 14,000 लोग रह रहे हैं एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ पर बता रहे कि ट्रैफिक जाम हो रही है, इसके लिए मुझे कुछ रोड्स बड़ी करनी पड़ेंगी। तो हम लोग अपनी जो 2 लाइन रोड्स को 4 लाइन रोड्स बना देंगे, जिससे मतलब कि जो गाड़ियाँ होंगी वो आराम से जा सकेंगी आ सकेंगी एंड जो जाम लगेंगे वो भी नहीं लगेंगे। हर बिल्डिंग वाला यही कह रहा है कि भाई यार रोड बनाओ यार, यहाँ पर भाई जाम लग रहे। तो हम लोग यहाँ पर आज जो रोड है ना उसको अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। जो प्रॉब्लम है बंदों की वो पहले सॉल्व करेंगे एंड बाकी चीज़ें भी हम लोग आज करेंगे। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, सिम सिटी बिल्डर की और वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर भाई प्रॉब्लम आ रही है अपग्रेड रोड्स की। तो यहाँ पर इस रोड को मैंने अपग्रेड कर दिया है, क्योंकि 2 लाइन रोड थी तो मैंने इसको भाई 4 लाइन रोड कर दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बड़ी रोड हो गई है, जो कि बीचों बीच रोड थी वो मैंने बड़ी कर दिया, ठीक है। जो अपनी प्रॉब्लम थी वो शायद अब हो चुकी पूरी, हाँ हो चुकी है। जो रोड थी बीचों बीच, भाई बीचों बीच की जो रोड रहा है ना ये भाई इसलिए छोटी पड़ गई थी क्योंकि यहीं पर सारे रेसिडेंशियल जोन सारे लाइन्स हैं एंड यहाँ पर लोगों को घर में जाना है आना है, ऊपर से ट्रैफिक जाम अलग से हो रहा है। तो रोड थोड़ी बड़ी हो गई है, अब प्रॉब्लम नहीं है। अभी भाई अगर और अपग्रेड होने को दिखाएगी तो हम लोग और रोड्स भी अपग्रेड कर देंगे। पैसे हैं अपने पास बहुत है, तो ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अपनी सिटी कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। आज हम लोग इसको और भी अमेजिंग कर देंगे, तो यहाँ पर बहुत चीज़ें हम लोग अपग्रेड करेंगे। एंड ये देख सकते हैं आप लोग रोड हमारी जो कि मैंने अभी अपग्रेड करी है, ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग लगी। देख सकते हैं 4 लाइन रोड है ये एंड नीचे 2 लाइन रोड है, दोनों में अंतर देख सकते हैं आप लोग। वो छोटी सी दिख रही है वो भाई बड़ी सी। अभी ये 4 लाइन रोड को हम लोग 6 लाइन रोड कर देंगे और भी बड़ी हो जाएगी। तो बस अभी ज़रा टाइम लगेगा इसको करने में, बट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मिशन है वो कम्प्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें मिल गई हैं, चलो अच्छी बात है। एंड हम लोग को कुछ अपग्रेड भी कर लेना चाहिए। कुछ यहाँ बिल्डिंग्स आप लोग देख सकते हैं, नाइट हो चुकी है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत सिटी लग रही है अपनी। अभी हम लोग की सिटी को और ज़्यादा खूबसूरत करेंगे, कोई वो बात नहीं है, अभी और भी बढ़िया होगी। एंड इसको अपग्रेड कर देते हैं हम लोग, पहले आज सारी बिल्डिंग अपग्रेड करेंगे। और गाइस हम लोग बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। तो गाइस अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ ना तभी घर को अपग्रेड करता हूँ, अब मुझे ऐसे भी अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना भाई हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा सिटी को बड़ा करने में, ठीक है। तो वैसे भी वीडियो पर भी हम लोग अपग्रेड करेंगे एंड जैसे वाला ऑफलाइन जो मैं खेलता हूँ वो भी करेंगे, ठीक है। तो ये आयरन एंड जो भी मिल रहा है सब सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सब मैं सेलेक्ट कर लिया, मतलब ये सब मैं कट कर लेता हूँ, ये भी कट कर लिया है। एंड जो भी चीज़ें अपग्रेड मांग रही है तो अपग्रेड करते हैं, इसको अपग्रेड पर लगा देते हैं। जो अपनी बिल्डिंग्स है भाई वो अपग्रेड हो रही हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अभी और ये चाहिए इसके लिए आयरन, तो ठीक है अभी आयरन ले लेंगे। तो यहाँ पर आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, तो गाइस यहाँ पे आयरन हमने लगा दिया। यार भाई आयरन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मतलब तब 50 की स्पेस है तो उसमें तुम 20 आयरन रखो भाई, ठीक है, और 10 प्लास्टिक रख लो और वो जो भी रखना है रख लो, ठीक है। तो ऐसी कुछ है एंड यहाँ पर जो मैंने आयरन लगा दिया, आयरन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने यहाँ पर आयरन लगा दिया एंड यहाँ पर मैं वुड ले लेता हूँ। वुड भी अपने पास अच्छा खासा हो चुका है। अब यहाँ पे और कुछ तो अपग्रेड नहीं मांग रहा है, बाकी सब कुछ एकदम सही चल रहा है, ये भी सही है भाई। जो कुछ रह गया है ये भी यहाँ पर अभी तो अपना आयरन है ना वो बन जाए ना, तो थोड़े बहुत घर रहे ना उनको भी हम अपग्रेड कर देंगे और बाकी सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा है। अपनी सिटी में 78% लोग हम लोगों से हैप्पी है। अरे भाई ये क्या 79, अच्छा बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं 79 हो गए भाई। पहले तो बहुत ही कम लोग हैप्पी थे, अब धीरे धीरे हैप्पीनेस बढ़ रही है बंदों की। भाई अगर ये मुझसे नाराज़ हो गए कि भाई अगली बार भाई फिर मैं मेयर कैसे बनूंगा। तो चलो यहाँ पे आयरन बन जाए, जैसे आयरन बन जाए और यहाँ पे कुछ मिल रहा है ले लेते हैं भाई। कॉइन्स भी हम लोग के पास अभी अच्छे खासे हैं, तो हम लोग सिटी में कुछ भी बना सकते हैं। पर लेकिन मुझे पता चला है कि इस गेम में भाई आगे चल के कॉइन की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, तो हम लोग कॉइन को भाई बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जो मांग रहा है गेम वही करेंगे, मतलब जो अपग्रेड मांग रहा है वही अपग्रेड करेंगे, बाकी सब कुछ चलने देते हैं क्योंकि भाई बाद में कॉइन काम आएंगे। एंड यहाँ पर भाई बंदे की प्रॉब्लम थी सीवेज की, भाई सीवेज को उठा के मैं यहाँ कर देता हूँ। भाई यहाँ पर बंदों की प्रॉब्लम थी कि इनको भाई बहुत ज़्यादा बदबू लग रही थी क्योंकि वहाँ पे सीवेज था। सीवेज मतलब जो गंदगी भाई जो होती है टॉयलेट की बहुत आता है, मतलब वो कलेक्ट करके बाहर करता है सिटी के, तो वही बदबू आ रही थी यहाँ पर। अब भाई कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर सीवेज को हटा के अलग कर दिया, जिनकी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो चुकी है। अब मेरे हिसाब से 100% लोग मुझसे हैप्पी हो जाएंगे शायद, ठीक है। अभी तो 83 हो गए, मतलब 1% बढ़ रहा है, तो हैप्पी हो जाएंगे सब लोग।
बाकी यहाँ पे हम लोग अपनी फैक्ट्री में कुछ काम धंधा लगा देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं बिल्डिंग। अभी सिटी कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि सिटी में कुछ डिज़ाइन डाली जाए, जो कि मेरा मेयर मेंशन है उसको मैं आगे की ओर कर दूँ, मैं यही सोच रहा हूँ। चलो वो तो कर ही देंगे लोग बाद में भी। बाकी यहाँ पे 89% लोग मुझसे हैप्पी हो चुके हैं। एंड गाइस यहाँ पे हम लोग के 20,000 लोग पूरे होने वाले अभी सिटी में। एंड यहाँ पर हम लोग को एक और, मेरे हिसाब से एक और बेसिक फायर स्टेशन या फिर डुलूस फायर स्टेशन में कौन सा लगाऊँ, मैं सोच रहा हूँ डुलूस फायर स्टेशन लगा देते हैं। पूरी प्रॉब्लम भाई हटाओ यार, बार बार भाई किसी घर में आग ही लग रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने यहाँ पर बड़ा एक हैवी लगा दिया है, ठीक है, फायर स्टेशन। अब बंदों कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, अगर अब प्रॉब्लम हुई तो भाई समझ लेना। चलो बाकी सब कुछ ठीक है। अपनी बिल्डिंग्स यहाँ पे देखते हैं, बड़ी हो चुकी है, अब इनको और अपग्रेड करेंगे तो और ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। ओहो ये क्या मिल रहा है, इसको ले लेते हैं। अपने पास वही कॉइन, ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन चाहिए हमें। यहाँ पर कुछ मिसिंग है, नेल्स नहीं है अपने पास। नेल्स के लिए भाई आयरन चाहिए, तो आयरन अभी बन रहा है। बाकी सब कुछ यहाँ पे एकदम परफेक्ट चल रहा है। जो चीज़ें अपग्रेड मांग रही है उनको हम लोग अपग्रेड कर देंगे। एंड ये अपनी इस फैक्ट्री में भाई इतनी जल्दी आयरन बनना है, क्या ही बोलूँ यार। सब कुछ एकदम सही चल रहा है यहाँ भाई सिटी में। 91% लोग मुझसे हैप्पी हो चुके हैं। जल्दी जल्दी 100 करना पड़ेगा। मैंने गेम खोला एंड भाई देखो यहाँ पे मुझसे 58% लोगों का गुस्सा है भाई। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया भाई, लगता है भाई कुछ लोचा हो गया अभी सिटी में। मैंने फिर देखा भाई यहाँ पे रोड प्रॉब्लम थी, एंड यहाँ पे मैं रोड की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी है। अब 91% लोग मुझसे हैप्पी है। अब जो 9% लोग वहाँ हैप्पी क्यों है इसका रीज़न मुझे नहीं पता है भाई। सब कुछ तो सही चल रहा है सिटी में, कोई प्रॉब्लम भाई लिख के नहीं आ रही इधर उधर, सब कुछ एकदम सही है भाई। पता नहीं बंदे क्यों मुझसे गुस्सा है, मतलब 9% लोग मुझसे गुस्सा है, जो कि हैप्पी हो जाएंगे। चलो ठीक है, वो तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं तो बाद में तो हो जाएंगे। तो चलो ये भी सही है। यहाँ से मेरे हिसाब से सीवेज को हम लोग इधर कर देते कोने में। एंड यहाँ पर सोच रहा हूँ कि हम लोग कुछ और घर से लगा दें, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोई आसपास घर तो नहीं, इससे भाई लोग को बदबू लगे, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है अपना। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग अपने एक और रेजिडेंशियल जोन डालें, या फिर कोई बढ़िया सी सिटी, मतलब कोई बढ़िया सा हाउस जो कि मतलब सिटी को अच्छा लगे सिटी में जब उसको लगाए हम। एंड यहाँ पे आयरन कलेक्ट कर लेते हैं, आयरन ज़्यादा से ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है भाई। अगर आयरन समझ लो, मैं तो ये कहता हूँ भाई फैक्ट्री में भाई कम से कम हर बार भाई बनते ही रहे आयरन, बनते ही रहे आयरन, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी सही है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नेल्स को, जो कि ये भी बहुत ज़रूरत है, मैं ज़रूरत की चीज़ है, इसको ज़रूरत में लगा देते हैं अपग्रेड पे। तो ये भी अपग्रेड हो रही है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है। हाँ तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो कुछ एरिया बनाऊँ अलग से, एंड यहाँ पर अपने कुछ और घर ऐड करे जाए। बट यहाँ पर भाई अभी कुछ सही नहीं है, जो कि अपना उधर का एरिया वो अनलॉक है, तो जो वहाँ पर जो हम लोग की जो शॉप्स पड़ी है ना बनाने वाली, वो वहीं से हट नहीं सकती हैं, तो उसके लिए अलग जगह ढूंढनी पड़ेगी हमें। तो उससे पहले भाई हम लोग यहाँ पे कुछ घर लगा देते हैं, ओल्ड टाउन हाउस लगा दे क्या अभी, लैटिन अमेरिका जोन ओल्ड टाउन हाउस लगाते हैं भाई, ये भी अच्छा है। लेकिन फ्लोरेंटिन जोन भाई इसको लगा देते हैं, ये अमेजिंग है, इसकी डिज़ाइन मुझे थोड़ी अच्छी लगी है, ज़्यादा नहीं। अभी और लगाएंगे, अभी सबको लगाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, अभी और भी चीज़ लगाएंगे हम लोग, इसको लगा दे। 92% लोग मुझसे हैप्पी हो चुके हैं। चलो गाइस 8% लोग भी रह गए, 8% लोग जल्दी से हैप्पी हो जाओ। और यहाँ पे क्या रह गया है, बाकी सब कुछ तो सही है। लैटिन अमेरिका जोन लगाया जाए क्या, और घर है क्या यहाँ पे, और तो नहीं है अभी, इतने सही हैं। तो कौन सा घर किधर लगाएं भाई, किधर लगाऊं, लैटिन अमेरिका जोन यहाँ पे लगाते हैं, जो कि भाई मेरा बहुत ही खूबसूरत घर लग रहा है। अब इसको अपग्रेड कर देंगे ना, तो ये और ज़्यादा बड़ा होता रहेगा एंड ये बहुत अमेजिंग हो जाएगा। एंड इसको अपग्रेड में मैं लगा दिया है, और यार मुझे मिले 11,000 कॉइन भाई, कॉइन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस गेम में। एंड बाकी सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा है सिटी में। 92% लोग मुझसे हैप्पी है, अभी देखना भाई यहाँ पे 100 भी हो जाएंगे। एंड यहाँ पे हो चुका गाइस अपना लेवल अप, इसको मैंने अपग्रेड कर दिया, एंड यहाँ पे अपना लेवल अप हो चुका है फाइनली। एंड देख सकते हैं यहाँ पे भाई अनलॉक हो चुका है एजुकेशन, तो गाइस हमारी सिटी में एजुकेशन अनलॉक हो चुकी है। अब कोई भी बंदा भाई गुंडा नहीं बनेगा यहाँ पे, बच्चे सब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो ये अब अपनी सिटी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे एजुकेशन अब चालू हो जाएगी। और गाइस यहाँ पे हम लोग अपनी सिटी में कोबलस्टोन की जो रोड है वो भी बना सकते हैं, और टू लाइन रोड तो बना ही सकते थे पहले से, तो कोबलस्टोन रोड स्ट्रीट हम लोग बना सकते हैं। बट यहाँ पर लेकिन बहुत महंगी है कोबलस्टोन स्ट्रीट, जो कि बाद में ही बना पाएंगे, अभी तो इतना कुछ है नहीं अपने पास। अभी जो है उसमें बस सिटी चल रही है ठीक ठाक, वरना यहाँ पर भी लोचा हो जाएगा।
बाकी सब कुछ सही चल रहा है। अभी सिटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। जब ये सिटी की बिल्डिंग्स हमारी और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी ना, तब और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा सिटी को देख के। अभी तो इतनी बड़ी नहीं, अभी छोटू सी सिटी है अपनी, अभी हम लोग उसको और बड़ा करेंगे और जितनी भी यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो भी हम लोग अपडेट करेंगे। काश भाई मैं सिटी के अपने जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर जा पाता यार, भाई कितना अच्छा फीलिंग आता। ये कुछ अपग्रेड होना चाहिए गेम में। चलो बाकी सब कुछ यहाँ पे ठीक है, अब कुछ रह तो गया नहीं है, मैंने उधर भी अपग्रेड कर दिया। बाकी यहाँ पे कुछ घर अपग्रेड को रहेंगे, इसके लिए भाई हम लोग को फैक्ट्रीज में भाई सामान लगाना पड़ेगा, जो कि लगा देते भाई। मैं सामान लगा लगा के भाई मैं थक गया हूँ। आयरन लगाओ, वूड लगाओ, कुछ ना कुछ बाबा लगाना ही पड़ता है। एंड यहाँ पे कुछ नई चीज़ें अपनी अनलॉक हो चुकी है, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में लगा देंगे। तो गाइस इससे पहले हम चलते हैं अभी ट्रेड डिपोर्ट में। ट्रेड डिपोर्ट में यहाँ पर हम लोग की एक छोटी सी मार्केट है, एंड यहाँ पर भाई सामान बेचते हैं। और भाई ये जो हमारी जो बाज़ार है ना, मतलब इसमें मैं जो भी चीज़ मुझे मिलती है मैं उसको बेच देता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पर कोई भी सेल, मतलब मैंने मुझे यहाँ पर मिला है एक 5 ताले मतलब कि लॉक एंड 3 नेल एंड 9 वुड एंड 5 आयरन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ये ताला, ठीक है, मतलब ये ताला लगा रहा हूँ मैं लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका कॉइन है मैं हाई पे कर दूँ, सबसे ज़्यादा हाई, मतलब मैं लुटे रहा हूँ भाई, ये समझ लो, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ है ना उसका प्राइस डबल में बेचता हूँ भाई, 2 दिन में पैसा डबल करने वाली चीज़ है ये। तो यहाँ पे भाई ये देखो, ये मैंने हैमर लगा दिया। अब यहाँ पे और क्या चीज़ लगाएं, एंड यहाँ पर ये चीज़ है इसका भाई मैक्स कर देंगे, इसको मैं लगा दिया सबको मैक्स कॉइन पे भाई, ठीक है। जो मतलब 100 कॉइन का है उसको 300 में बेचेंगे, 300 का है उसको बेचेंगे 600, मतलब डबल कॉइन में 2 दिन में पैसा डबल करने वाली ट्रिक है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बंदे हम लोगों से सामान खरीदते नहीं, हम लोग जितनी भी महंगी चीज़ भाई रखें लोग हम लोगों से सामान ज़रूर खरीदते हैं, चाहे महंगे में बेचें चाहे सस्ते में बेचें। मैं तो महंगे में ही बेचता हूँ, सस्ते में नहीं बेचता भाई, क्योंकि भाई कॉइन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा आने वाली है आगे चल के, इसलिए थोड़ी महंगाई करी है मैंने। जो भी चीज़ बेचता हूँ ना महंगे बेचता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चलो सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना। नेक्स्ट एपिसोड हम लोग और भी अमेजिंग चीज़ें यहाँ पे भाई बनाएंगे एंड लगाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब की हेलो, बाय बाय।